गाइस गुड आफ्टरनून टू यू एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। गाइस तहे दिल से आविक और आपका वेलकम करते हैं आज के न्यू व्लॉग में। और ये देखो हम कहाँ बैठे हैं, झुंझुनू बुंझु के पास बैठे हैं, अपने भगवान जी के पास। और यहाँ पे बैठ के हम खा रहे हैं खाना क्योंकि और ये हमारा कूलर भी यहाँ पहुँच चुका है। टाइम मेरे दोपहर के दोपहर के 2:15 रहे हैं गाइस। ये इसका सेल खत्म हो गया इसलिए ऐसी दिख रही है। ठीक है, फिलहाल हम खाना खा रहे हैं और इस रूम में बैठ के, पूजा वाले रूम में बैठ के इसलिए खा रहे हैं क्योंकि बताएंगे आपको भी। पहले हम खाना खाएगा और आपको बताएगा क्यों खा रहे हैं यहाँ पे बैठ के खाना। ठीक है गाइस, चबाती नहीं है ये देखा, ऐसे बोल देते हैं थक्के में आते हैं चक्कर इन पे नहीं करते जाते हद होती है। तो जी हम खाएंगे खाना फिर आपको वापस बताएंगे कि हम यहाँ पे बैठ के क्यों खा रहे हैं गाइस। अपने रूम में नहीं बैठ सकते अब हम, मानिए हम बैठ सकते अब। तो गाइज आपको फाइनली दिखा रही हूँ कि हम लोग अपने कमरे में क्यों नहीं जा सकते हैं और ये आपको देख के आई थिंक आइडिया हो ही गया होगा और ये आपको पूरा ही दिखा दे रही हूँ। तो लो जी ये है जी पूरा का पूरा मैटर, इसलिए नहीं हम अपने रूम में आ पा रहे हैं गाइज, है ना, क्योंकि घर पे चला हुआ है वाइट वॉश का काम जो कि बहुत 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 लंबे टाइम से पेंडिंग पड़ा हुआ था मेरा। अब करवाऊँ, इस महीने करवाऊँ, तब करवाऊँ, उस तब करवाऊँ, ये सोच के ऑलरेडी डिले हो ही जा रहा था। देन आई थॉट कि चलो अब तो कंप्लीट करना ही है, मुझे करना ही है, और हमने ये स्टार्ट करवा दिया ले दे के। अभी मेरा था नहीं वैसे कि मैं करवाऊंगी ये, बट ठीक है परमात्मा का नाम लेके कर दिया शुरू क्योंकि आगे बरसातें आने वाली थी। तो थोड़ा सा छत को भी हमने वो रिपेयर करवाना था क्योंकि छत से बहुत पानी आता है गाइस। तो ये सीलन मिलन हो के ही हमारे पेंट के ये हाल हो रखे हैं, है ना। तो 5 साल हो गए थे वैसे भी हुए हुए को इसको, तो इसलिए कराना ज़रूरी था। तो ये है रीज़न रूम में ना आने का गाइस। तो गाइस उस गंद भरी दुनिया से मैं अपने क्लास पहुंच चुकी हूँ और क्लास में जल्दी आ गई थी क्योंकि उस गंद में रहना मुश्किल नहीं है, नामुमकिन हो रहा था। और वो गंद जाके साफ भी मुझे ही करना पड़ेगा, कुछ तो कर दिया होगा इन लोगों ने, बट काफ़ी सारा मेरे लिए भी पड़ी। पर 7-8 दिन तक घर का हाल यही होने वाला है तो मैं ज़्यादातर अपना टाइम अब क्लास में ही रुकूँगी। वैसे भी मेरा टाइम यहीं जाता है, ज़्यादातर रुकूँगी क्या, है ना, जान बूझ के तो मैं नहीं रुक रही हूँ, यहीं पर जाता है टाइम मेरे। 6:12 हो रहे हैं और क्लास चालू है और ये बहन जी अपनी आ चुकी हैं शिमला में अपना प्रोग्राम लेकर के, है ना। हाँ जी बहन जी, कैसा था आपका प्रोग्राम? जोर से बोल। बढ़िया। और इसकी आवाज़ अपनी शिमला छोड़ के आ चुकी है, ये बॉडी यहाँ ले आई, आवाज़ वहीं छोड़ आई, गला बैठा हुआ इसका। चलो म्यूजिक म्यूजिक चलो। निकलने की तैयारी चल रही है और कल मैंने ना वर्कआउट कुछ ज़्यादा कर लिया था, स्ट्रेचिंग ना, ये लेग में इतनी गंदी नस चढ़ी हुई है, पता नहीं क्या हो रहा है, खतरनाक पेन हो रही है, क्लास भी नहीं हो पा रही, मुश्किल से डांस कर रही हूँ मतलब रुक रुक के, है ना। तो टाइम मेरे 8:30 हो गए हैं और जस्ट अभी 8 बजे क्लास ख़त्म करके हम निकल रहे हैं घर को आरवी कौर। और ये जो गुगल से जोड़ के गए हैं सामान, ये घर लेके जाना है पेन का, है ना। तो ये पता नहीं स्कूटी पे कैसे लेके जाऊंगी इतनी बड़ी बाल्टी। और गाइस पेंट करवाना ना हम लोग कब से लेके सोच रहे थे, आज करवाएं, अब करवाएं, अब करवाएं, तो बहुत टाइम जैसे सोचते डिले जा रहा था। और आप लोग भी कमेंट करते रहते हो कि तेरे डांस बाद में कर लेना, पहले घर क्या, तो वो कर ले, ये कर ले, बट करने का था नहीं हमारा। मैंने सोचा था कि मैं ट्रांसप्लांट के बाद ही करवाऊँगी, बट ट्रांसप्लांट के लिए थोड़ा टाइम जा रहा है ना। और हर साल ना बरसात आने वाली है, अंदर पानी आ रहा है बहुत ज़्यादा, तो पूरी दीवारें ख़राब हो रही है। तो छत के ऊपर जो भी करवाते हो, पानी से बचने के लिए जो करवाते हैं वो भी करवाएंगे, ठीक है। उसके साथ साथ अंदर भी थोड़ी सी करवा रहे हैं, पेंट पून जो भी है बचा खुचा, मतलब देख ही लोगे आप ब्लॉग में, तो चीज़ें मैंने देख के करवा ही रही हूँ ना करते हुए। बाद में करेंगे, बट
करवाने की हिम्मत है नहीं, बट पता नहीं, मैंने छेड़ तो दिया है काम, बाकी लेट्स सी ऊपर वाला करवाएगा जो भी करवाएगा, क्योंकि अभी बजट कहीं और के लिए मुझे चाहिए, ठीक है। बट ये भी करना ज़रूरी था, क्योंकि बोलते हैं ना घर आपका थोड़ा सा अच्छा दिखना चाहिए, अच्छा इन द सेंस वो अजीब लगता है ना, मुझे भी वीडियोस में अजीब लगता है, काफ़ी टाइम से वो पेंडिंग पड़ा था, तो वो चीज़ें कर रहे हैं, है ना। और बाकी आप वीडियोस को थोड़ा शेयर कर दिया करो, है ना, और कमेंट तो कर ही रहे हो आप, और कर लेना थोड़े अच्छे से फेसबुक पे भी और यूट्यूब पे भी, और बाकी आप देख ही रहे हो क्या चला हुआ है क्या नहीं चला हुआ है। आज के लिए ये सब चला हुआ है, जैसे पेंट ख़त्म होएगा वैसे ही मेरा और दुग्गल जी का चंडीगढ़ का टूर है, पीजेई का, मतलब इनको लेके जाना है पीजेई चेकअप के लिए। आपको बोलता फिश चूल्हा थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, वो भी दिखवाना है, है ना। और जो हमारे डॉक्यूमेंट जो पेंडिंग थे उसका भी काम चल रहा है इस साइड में ना, तो उसका 15-20 दिन जाने ही थे जैसे कि आपको मैंने बोला था पहले, तो वो भी चल रहा है, जैसे वो कंप्लीट होगा वैसे मैं इनको लेके जाऊँगी साइड में, ये भी काम चलेगा घर का, सारे काम करने ज़रूरी है भाई, घर का भी बाहर का भी ये भी वो भी। फिर 1-1.5 साल तक तो फिर थोड़ा सा इनको एलर्जी रहेगी पेंट वेंट ये सारी चीज़ों से, तो इसलिए मैं पहले ही करवा रही हूँ कि चलो पहले ही करके छोड़ देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आफ्टर ट्रांसप्लांट दुग्गल जी का, तो ये मैटर है, इसलिए मैं करवा रही हूँ चीज़ें। और फिलहाल घर निकलती हूँ, दुग्गल जी सामान छोड़ के चले गए अपने दोस्तों में या काम को, पता नहीं, ऑर्डर लेके जा, घर पे नोनी है मासी हैं और वही हैं, काम वाला चला गया होगा अब तक में, तो घर पे मिलते हैं आपको, देखते हैं घर पे क्या क्या गंद मच्चा पड़ा है, खुद भी देखते हैं आपको भी दिखाते हैं, बने रहें व्लॉग में। तो ये हैं जी घर के हालात कुछ ऐसे, ये इरिटेशन लगती है मुझे देख के, चप्पलें भी बंडवा दी उन्होंने तो मेरी भाई, चप्पलें तो चप्पलें, तेरे स्कूल के शूज भी तेरे बंड गए, रह तू वहीं बैठा हुआ कबूतर सा, सारे बंड गए तेरे स्कूल के शूज, मेरे कपड़े भी है भाई। इसमें पानी है कूलर में, ये खिड़की खोल दे, नहीं तो मेरे को नींद नहीं आने की रात भर, समझा, वो मैं थक के आती हूँ, कुछ सोच लिया करो मेरे लिए भी, अपने लगे रहेंगे ये। और ये जी हमारे कमरे का हाल कुछ ऐसा है, पंखे चले हुए हैं यहाँ पे कि जिससे सूख जाए नीचे, है ना, लग रहा है आपको ये वही वाला रूम है क्या हाल हो गया ना आके, ये देखो गंद की ढेर, 5-7 दिन तक ऐसी रहेगी घर की हालत। और सबसे ज़्यादा किचन में काम है, डब्बे वब्बे निकालने होते हैं जो किचन के बाहर, है ना, तो चेंज करती हूँ मैं, थोड़ा रेस्ट करती हूँ, आपको वापस। एंड गाइज वापस मिलूंगी आपको नेक्स्ट व्लॉग में, आज के व्लॉग को यहीं एंड कर रही हूँ क्योंकि बहुत थक गई हूँ, नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी मिलती हूँ, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे, पेज पे फॉलो कर दे, गुड नाइट, लव यू, टेक केयर गाइज़।